Uh, मैंने इंट्रोडक्शन में यही कहा कि जब से मैंने स्टार्ट किया है ना पॉडकास्ट तब से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल ना कि इनको बुलाइए इनको बुलाइए उनमें आपका नाम सबसे ऊंचा होता है तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो क्योंकि आप हर चीज़ बोल जाते हैं आप कुछ सरप्राइजिंग कह जाते हैं आप कुछ मस्ती वाली बातें कर देते हैं सीरियस डेटा होता है आप तो जो भी सुन रहा होता है चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे लेमैन हो सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके इंटरव्यू को सुन के सो थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में थैंक यू थैंक यू तो पहले तो मैं बताऊं कि एक आपका स्टेटमेंट था जो मैं जब भी मैं वो देखती हूँ ना आई बर्स्ट आउट लाफिंग आपने कहा ना आई डर जम्प इन टू अ वेल देन जॉइन द कांग्रेस पार्टी ये आपने कहा था कई बार ही आपने कहा है पर जब भी मैं पढ़ती हूँ आई फील लाइक लाफिंग आई थिंक फर्स्ट टाइम वो श्रीकांत जी ने कहा था ना कि राइट मैन इन द रोंग पार्टी ऐसा उन्होंने कहा था तो मैंने उनको नम्रतापूर्वक कहा था कि मेरा कन्विक्शन मेरी पार्टी उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो पर आई एम विथ माई कन्विक्शन मैं इसी में रहूँगा पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है कितने भी चुनाव हरे या जीते और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी हार होती रहेगी तो चलेगा मैं वक्त आया तो कुएं में कुछ जाऊँगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊँगा और वो बार बार आता है अभी भी रिसेंटली फिर से आया वही बात उठी थी जब कांग्रेस कह रहे थे कि क्योंकि आपके संबंध इतने अच्छे हैं ना एक बात जरूर है कि मेरे संबंध सभी पार्टियों के अच्छे हैं मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दिन मैंने हमारे राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप इसका जवाब दो पर मुझे बाद में हमारे स्पीकर साहब का फोन है बिरला जी का कि यहाँ सब लोग आपके बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं और आप सभागृह में नहीं है मैंने कहा मैं तो नागपुर में हूँ बोले आप जरूर आइए फिर मैं तुरंत आया पचहत्तर लोग अक्रॉस द पार्टी सब लोगों ने ऑल पार्टी के लोगों ने हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा आवेदन किया तो बाद में स्पीकर साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के इतिहास का ऐसा पहला उदाहरण है कि एक मंत्री की तारीफ ऑल सेक्शंस और सभी पार्टियों ने की तो मैंने कहा मेरा आइडियोलॉजी पक्की है मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ ये सब होने के बाद भी लोगों ने मुझे एक प्रकार से इतना अप्रिशिएट किया इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ पार्टी का सांसद हूँ पर सरकार देश की है और इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास तो मैंने कहा मैं सबके काम जो होने लायक होते तो हैं सबके करता हूँ मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया और यही बात बीजेपी ने हमें सिखाई गई है और यही कि सबके साथ न्याय करना चाहिए यही बात हमको मजबूती देती है तो जब आप वेन यू मेक द रोड जरूरी नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी में हो बीजेपी वाले राज्य में हो वो किसी भी राज्य में जा सकता है क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लान तो है। आपको नौ साल में मंत्री हूँ जी मैं आपको बिल्कुल वचन पूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग देश की एसेट है और यहाँ से चलने वाली भारत की जनता हमारा परिवार है उनको अच्छे रोड मिलने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलने चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारे पॉलिटिक्स का उद्दिष्ट है अब मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अमेरिकी पत्रकार का वो वैसे मुंबई के ही हैं फरीद जकारिया और वो कह रहे थे कि जैसे पहले होता था ना कि आप शंघाई में चले जाओ होटल में आप कमरे खिड़की से बाहर देखो तो क्रेन ही क्रेन होते हैं कंस्ट्रक्शन होता है और फिर आप मुंबई आते हो तो कहीं एक क्रेन दिखाई दिया बैंगलोर चले गए कहीं दो क्रेन दिखाई दिया लेकिन अब ऐसे होता है कि चारों ओर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है हाँ इससे दिक्कत ज़रूर होती है लोगों को कि ट्रैफ़िक जैम हो जाते हैं शहर के बीचों बीच लेकिन एक वाइब्रेंसी आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सड़कें बन रही है फ्लाईओवर्स बन रहे हैं एक दर्ज अ एनर्जी एक ऊर्जा आ जाती है उसमें ये एक विदेशी पत्रकार ने मतलब मूल तो उसका भारतीय है लेकिन विदेशी पत्रकार ने भी ये नोटिस किया है नहीं एक बात देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैं 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पचपन उड्डन पुल ये मुझे बनाने का मौका मिला तब मैंने एक निर्णय किया था कि जिसको भी फ्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको मशीन लेने के लिए हम दस परसेंट एडवांस देंगे और वो मशीन अगर इंपोर्ट करता है तो हम ड्यूटी जो होती है कस्टम ड्यूटी हम भरेंगे जिसके कारण हमारे यहाँ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू अपग्रेडेशन हो मुझे इस बात की खुशी है कि एक सिंपलेक्स करके कंपनी थी उसने पहली पाइलिंग मशीन लाई और उसका पुल बन रहा था अपना बांद्रा में ये जो माइनिंग फ्लाई ओवर है अच्छा वो जो बड़ा फ्लाई ओवर है ना जो टर्न होता है तो उसका पहले मशीन का मैंने उद्घाटन किया फिर रेडीमिक्स कॉन्क्रीट मिक्सचर आए उस समय हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत नहीं थी नहीं। पर उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे चेंज हुआ कि आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मिश्रें हमारे देश में है, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है हमने सात वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी अब वर्ल्ड रिकॉर्ड डेटा तो सब आपके पास है तो आप सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है आप ही बता दीजिए कौन कौन से किलोमीटर की सौ हाँ। किलोमीटर टोटल लेन पकड़ के वो सौ किलोमीटर होता है मतलब थोड़ा सा नंबर में गलती होगी क्योंकि हमको सर मैं सरकास्टिकली कह रही हूँ पच्चीस पच्चीस साल वेट करना पड़ता है सौ किलोमीटर के लिए नहीं एक लेन को एक किलोमीटर मानकर जो छः जे छः किलोमीटर बनी तो उसका काउंट करते हुए वो सौ किलोमीटर का बना फिर मुंबई वडोदरा में दो रिकॉर्ड बढ़ के हुए फिर सोलापुर बीजापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए एक प्रकार से हमारे सात वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं और इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे इंजीनियर्स हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है और बहुत अच्छा काम किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ हम लोग ये आसाम में अपने ब्रह्मपुत्रा पर ये जो सोनोवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है माजोली आइलैंड वहाँ ब्रिज बना रहे वो मैंने उनके चुनाव में गया घोषणा की थी जब मैं वापस आया तो 6000 करोड़ का ब्रिज था हमने टेक्नोलॉजी बदली नहीं हमने मलेशिया से टेक्नोलॉजी वो स्वीकार की अब हमारा ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है झोजिला टनल चार बार टेंडर हुई बारह हजार उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट थी हमने मेहनत की नई टेक्नोलॉजी आई काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया टेक्निकल फाइनेंशियल नॉन्ग बदले अब करीब साठ सत्तर परसेंट अनिल पूरी हुई है और आपको आश्चर्य होगा हमने पाँच हज़ार करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए तो टेक्नोलॉजी भी लाई क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश की और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हर समय इम्प्रूव करने की कोशिश की अब, अब... पूर्वी भारत के बारे में बात करें डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू में आपने अनाउंस किया था तीन लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज़ अब सब जानते हैं कि स्ट्रेटिजिक रीजंस की वजह से वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो पहले ही बन जाना चाहिए था नहीं बना उसकी वजह से हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े नॉर्थ ईस्ट में तो ये जो वॉर फुटिंग पे जो वहाँ पर आप बना रहे हैं सड़कें बना रहे हैं बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं आ, ये इसमें अर्जेंसी क्या चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसकी वजह से भी है देखिए पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी हुँ. और हमने उसके लिए एन नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो पूरा काम था उनको दिया और अभी तक हम जो है करीब एक लाख दस हज़ार करोड़ के काम पूरे कर सकें करीब एक लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है और एक लाख करोड़ के काम होंगे मैं आपको सिंपल बात बताऊँ मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आप जो सेवन सिस्टर्स से, है सेवन स्टेट्स से, हैं

कुछ बन गए ब्रह्म ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड किया है तो नेचरली आज वहाँ इतना अच्छा काम हुआ है योगी धोपा में हम मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं कि जहां रोड भी होगा रेलवे भी होगी हवाई जहाज भी होगा और वाटरवेज भी होगा तो एक प्रकार से बहुत बड़े प्रमाण पर नॉर्थ विस्ट में डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की वो हाईवे से लेके अक्सर बताता हूँ मैंने अपने जीवन में ध्यान में रखी है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी जहाँ इंडस्ट्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार तैयार होगा और जहाँ रोजगार तैयार होगा वहाँ गरीबी दूर होगी तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है और ये अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है कि? निश्चित रूप से क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ट्राइबल सेक्टर जहाँ लोग एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं वहाँ रोजगार निर्माण करना वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना वहाँ के लोगों को मुख्य प्रवाह में विकास प्रवा में के प्रवाह में लेके आना ये हमारा पहला कर्तव्य है इसीलिए एक सौ बीस और पाँच सौ ब्लॉक्स जो, जो विशेष रूप से बैकवर्ड है सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली उसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया जी आ, ये जो आपका जो आपका टेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है आ, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू आठ हजार करोड़ कुछ है आ, तो आपको जब ये सब आप रोड्स बना रहे हैं तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमेशा फंड्स करके कोई नहीं होता है। मैं आपको मैं भारत माला वन की बात कर रहे हैं उसके आठ हज़ार नहीं आठ लाख करोड़ आठ लाख करोड़ ओके और दूसरी बात हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पैसा बजट बहुत अच्छा दिया है वित्त मंत्री जी ने पर उसके साथ साथ हम रोड को मोनिटाइज करते हैं हम चार प्रकार के रोड बनाते हैं एक ई पी सी जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट दे रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनिटाइज करते पंद्रह साल के लिए दूसरा है बी जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है उसको टोल के लिए दस साल बारह साल पंद्रह साल उसके हिसाब से टेंडर के हिसाब से समय देते हैं तीसरा है, है हाइब्रिड एन ओ टी यानी उसमें चालीस टक्के हम देते हैं साठ परसेंट वो लाते हैं और चौथा है टी टी और इन्विट पाँचवा टी ओ टी और इन्विट किया है कि हम रोड बनाकर फिर उसको बेच देते हैं हमारा जो इन्विट मॉडल है उसमें अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने उसको लॉन्च किया और दस दिन का टाइम था और पहले दिन हमारा बॉन्ड इशू एक सात घंटे में सेवन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ मैं गोवा में था कार्यक्रम छोड़कर आया और वो बेल बजाकर मैंने उसको क्लोज़ किया इतना पब्लिक का रिस्पांस मिला हम छोटे छोटे लोगों को मैंने आह्वान किया था कि हम आपको एट पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ब्याज देंगे साल भर और हर महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करेंगे अब बैंक में तो साढ़े के ऊपर मिलता नहीं तो नेचुरल लोगों ने पैसा दिया और इतना पैसा मिला कि हमें मुझे नहीं लगता हमें हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसे की कमी है